राजस्थान के अजमेर में एक हत्या का मामला इतना चर्चित हुआ जिसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ये हत्या, ये मर्डर, ये दिखाता है कि देश में किस तरीके की हिंसा फैल रही है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसको लेकर अब हंगामा मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। राजस्थान के राजनीति में जो है जमीन से जुड़े विवाद अक्सर हिंसक घटनाओं का रूप ले लेते हैं, जैसे कि अजमेर के रूपनगढ़ में ये मामला हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना होगा ताकि आप इसे आसान भाषा में सरल तरीके से समझ सकें। इस विवाद की जो है शुरुआत तब हुई जब ग्राम पंचायत के सरपंच इकबाल छिपा ने जमीन के पट्टे पर जारी जो है पट्टे जारी किए। पंचायत का कहना था कि ये ज़मीन आबादी क्षेत्र की है और यहाँ दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, पर ज़मीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था जिसे दोनों पक्षों ने अलग अलग तरह से देखा। इस तरीके की ज़मीन जो है विवाद अक्सर स्थानीय नेताओं और बाहुबलियों की भूमिका को देख बाहुबली जो होते हैं वहाँ के उनकी भूमिका इसमें देखने को मिलती है। यहाँ भी BRC ग्रुप जिसे बलवारा चौधरी ने ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने दावेदारी इस ज़मीन में पेश की और विवाद को हिंसक बना दिया। ये जो है समूह पहले से ही ज़मीन कब्जाने के मामलों में संलिप्त रहता है, ऐसी बात चल रही थी, ऐसे आरोप पहले भी लगे थे और इनके जो है नेता पहले से ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनके समर्थन से ये सक्रिय हैं और ऐसी घटनाएँ अक्सर ये करते रहते हैं। इस मामले में दुकान बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था, जैसे ही दूसरे पक्ष को जानकारी मिली वे वहां पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई, फिर फायरिंग भी होने लगी। इस झगड़े में एक युवक शकील की गोली लगने से मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक नारायण गंभीर रूप से घायल है। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन की त्वरित प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कई गाड़ियां और मशीनरी जब्त की गई हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पहले से ही जमीन विवाद को लेकर BRC ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां इसमें रही हैं और इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। राजस्थान की राजनीति में जमीन विवाद हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जहाँ पंचायती राज जमीन पट्टों की गलत इस्तेमाल और बाहुबलियों का हस्तक्षेप भी इसमें आम है। यह घटना भी इस तरह के जो है इस बात को उजागर करती है कि कैसे स्थानीय राजनीतिक ताकतें अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, जिनसे जनता के बीच असुरक्षा और हिंसा का माहौल बन सके। ये मामला केवल जमीन विवाद नहीं है बल्कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में चल रहे राजनीतिक संघर्ष और बाहुबलियों का प्रभाव भी दिखाता है। ये एक उदाहरण के रूप में है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए michimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।